नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ टीम इंडिया के बारे में। जी हाँ, टीम इंडिया वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अब तक वो चौथे स्थान पर मौजूद है। हालांकि प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा, एक भी मैच अभी तक हारे नहीं है, लेकिन उनको वर्ल्ड कप में एक झटका लगा है शिखर धवन के रूप में। जी हाँ, उनके हाथ में चोट लगी थी, जिसकी वजह से केएल राहुल को ओपनिंग कराया गया था लास्ट मैच में, आपने देखा था पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन वो चोट थोड़ी गहरी हो गई है, जिसकी वजह से उनको वर्ल्ड कप से निकलना पड़ा है, जाना पड़ा है अपनी सर्जरी ठीक कराने के लिए। यानी कि अब वो वर्ल्ड कप में एक भी मैच शायद ना खेले। इस वजह से उनकी जगह पर ऋषभ पंत को टीम में रखा गया है और बुलाया गया है। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा एक झटका है, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे शिखर धवन, सेंचुरी भी लगाई थी उन्होंने। तो अभी हालांकि केएल राहुल ने भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया अपने पहले मैच में, जो वर्ल्ड कप में खेला गया 2019 में। तो अब आगे देखना होगा कि शिखर धवन का जो जगह खाली है उसको केएल राहुल भरने में सक्षम होंगे या नहीं। और उनके जगह पे जो ऋषभ पंत की एंट्री हुई है, वो भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं और बहुत ही अच्छा उन्होंने आईपीएल में प्रदर्शन किया है, आपने देखा ही होगा। तो अभी ये वक्त ही बताएगा कि वो टीम इंडिया के लिए कुछ माइनस पॉइंट है या प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।